अगर आप पुणे जाएं और सड़कों पर ट्रैफिक संभालते रोबोट दिखें तो चौंकिएगा मत। जी हां, पुणे में प्रयोग के तौर पर जल्द ही रोबोट को ट्रैफिक संभालने के काम में लगाया जाएगा। सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस को प्रदूषण से बचाने के लिए ऐसा रोबोट बनाया गया है। महाराष्ट्र में जल्द ही सड़कों पर ट्रैफिक संभालते दिखेंगे रोबोट। पुणे में ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए ट्रैफिक रोबोट बनाए गए हैं। पुणे और ठाणे के स्कूली बच्चों ने 2 महीने में इस रोबोट को बनाया है। एसपी रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किए गए इन रोबोट्स का संचालन मोबाइल से किया जाता है। सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस को प्रदूषण से बचाने के लिए रोबोट बनाया गया है। प्रयोग के तौर पर पुणे की सड़कों पर यातायात व्यवस्था संभालेंगे रोबोट। महाराष्ट्र का पुणे जल्दी देश के बड़े शहरों को ट्रैफिक संभालने का विकल्प पेश करने जा रहा है। यहाँ के स्कूली बच्चों ने रेडियो नाम का एक ट्रैफिक रोबोट बनाया है। ये रोबोट शहर की सड़कों पर जल्दी ट्रैफिक संभालता दिखाई देगा। इस प्रयोग का पहला ट्रायल कामयाब रहा है और जल्द ही इसे प्रायोगिक रूप से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते देखा जा सकता है। अभी इसे मोबाइल के माध्यम से ऑपरेट किया जा रहा है। इस रोबोट को 7वीं और 8वीं क्लास के स्कूली बच्चों ने बनाया है।